नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्यूलरिज्म इन इंडिया वी नो वेरी वेल दैट इंडिया हैज सो मैनी रिलीजन्स एंड दे परफॉर्म देअर रिलीजियस बिलीफ फेथ एंड सो मैनी प्रैक्टिस रिलीजन को लेके हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए प्रोवाइड की है लेट्स डिस्कस वन बाई वन आर्टिकल 15. द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन जो स्टेट है किसी भी पर्सन के साथ धर्म को लेके डिस्क्रिमिनेट भेदभाव जो है वो नहीं कर सकता आर्टिकल ट्वेंटी फिफ्थ फर्स्ट ऑल सिटीजन आर इक्वली फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और अदर देयर ऑफ देयर चॉइसेस यानी कि हम अपनी चॉइस से किसी भी धर्म को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं आर्टिकल ट्वेंटी सेवन नो पर्सन कैन बी कंपेल टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए उसके लिए क्या दिया जाए टैक्स दिया जाए नेक्स्ट आर्टिकल ट्वेंटी एट फर्स्ट नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड किसी भी धर्म को ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो स्टेट है उससे जो फंड है वो लिए जाए यानी कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म के आधार पे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो फंड जो है वो नहीं मांग सकती आर्टिकल ट्वेंटी नाइन फर्स्ट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एट आउट ऑफ स्टेट फंड और ग्राउंड ऑफ रिलीजन ओनली किसी भी सिटीजन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धर्म के आधार पे एडमिशन लेने से मना मना नहीं किया जा सकता आर्टिकल 30 इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाई रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मैनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज देखिये कितना अच्छा प्रोविजन है कि जो लोग रिलीजियस और लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज में मीनॉरिटी है इंडिया में धर्म को और लैंग्वेज लेके जो गिनती में कम है उनको ये राइट है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई भी स्कूल कॉलेज है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं